नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में आपका एक मिथ क्लियर करने वाला हूँ। काफी सारे लोगों के मन में डाउट रहता है कि हम क्रिएटिन यूज करें या फिर डायनाबोल। जी हाँ दोस्तों, तो आज के वीडियो का भी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्रिएटिन से आपकी जो बॉडी नेचुरली अच्छे तरीके से गेन होगी या बनेगी, या फिर आपको डायनाबोल लेके आपकी बॉडी जो अच्छे से गेन होगी या बनेगी। तो क्रिएटिन के उस डायनाबोल के जो है मिथ को आज मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। तो कहीं भी वीडियो स्किप ना करें, वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका समय बर्बाद ना करते, सीधे वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहले और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, वो है जो है रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ डायनाबोल और तरफ क्रिएटिन को अगर हम देखा जाए तो डायनाबोल के रिजल्ट जो है क्रिएटिन की अपेक्षा में थोड़े जल्दी देखने को मिलते हैं, क्योंकि डायनाबोल आपकी जो है बॉडी में जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपका जो है एक जल्दी असर दिखाता है, क्योंकि डायनाबोल एक स्टेरॉइड फॉर्म होता है और क्रिएटिन आपका एक नेचुरल कंपाउंड है जो आपकी बॉडी बनाती है, तो वो उतने जल्दी फास्ट रिजल्ट आपको नहीं देता। दूसरे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा पावर। जी हाँ दोस्तों, जब आप क्रिएटिन लेना शुरू करोगे तो एक्चुअल में होगा क्या कि क्रिएटिन आपको 30 दिन के अंदर आपकी बॉडी में सैचुरेट होगा, जब आपकी एक नॉर्मल डोज 3 से 5 ग्राम की लेंगे। उसके बाद क्रिएटिन आपको थोड़ी सी जो है एक्स्ट्रा पावर देगा आपके जो है वेट उठाने में। और भाई बात करें डायनाबोल की, तो आप 10 से 15 दिन जब आप डायनाबोल यूज करोगे तो आप देखोगे कि आपकी जो है वर्कआउट में काफ़ी ज़्यादा पावर आपकी बढ़ जाएगी, यानी कि जो वेट आप उठाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी वो वेट आप आसानी से नॉर्मल तरीके से उठा लोगे, क्योंकि ये आपकी बॉडी में जो है एनर्जी बढ़ा देता है और साथ में ही आपकी बॉडी में जो है प्रोटीन सिंथेसाइज बढ़ा देता है, यानी कि जो भी डाइट आप लेते हो उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोटीन या फिर मिनरल्स आपकी बॉडी एब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, वो है वाटर होल्ड। जी हाँ दोस्तों, जब आप डायनाबोल लेना शुरू करोगे तो डायनाबोल के साथ जो आप वेट गेन करोगे, यानी कि आपने डायनाबोल को 30 दिन यूज किया उससे आपने 10 kg वेट गेन किया दोस्तों, तो फिर 10 kg वेट आपका जो है वाटर होल्ड का होता है, यानी कि वो 10 kg आपका ना तो मसल्स बढ़ा है ना आपकी आपकी बॉडी में फैट बढ़ा है, कुछ भी नहीं बढ़ा है, ओनली आपकी बॉडी में कम से कम 7 से 8 किलो वाटर होल्ड है, यानी कि डायनाबोल का जो पूरा वेट रहता है वो पूरा वाटर वेट होता है, उसमें से 10 से 20% आपका जो है मसल्स पड़ा हुआ होता है, बाकी 80% आपका वाटर होल्ड होता है। वहीं बात करें क्रिएटिन की, तो क्रिएटिन में ऐसा नहीं है, क्रिएटिन का रिजल्ट थोड़े स्लो है लेकिन आपकी बॉडी एकदम लीन मसल्स मास गेन करेगी। क्रिएटिन आपकी बॉडी में वाटर होल्ड उस तरह का नहीं करता जिस तरह का डायनाबोल करता है, क्रिएटिन आपकी बॉडी में वाटर होल्ड करता है लेकिन वो वाटर आपकी मसल्स में स्टोर होता है जो आपकी मसल्स को जो है डिहाइड्रेट रखता है। दोस्तों चौथे और इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें दोस्तों, वो है किडनी डैमेज। जी हाँ दोस्तों, जब डायनाबोल आप यूज करना शुरू करोगे तो ये आपकी किडनी पे काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, यानी कि जब डायनाबोल के कुछ समय तक चलाओगे आप, महीने भर या 1.5 महीने जब आप उसको यूज कर लोगे तो आप देखेंगे आपकी जो है पेट पे एक्नेस वगैरह होने लगेंगे या फिर आपके चेस्ट पे एक्नेस हो जाएंगे, आपके फेस पे जो है पिंपल्स होने लगेंगे जो कि आपके ये सीधा जो है लीवर पे जो असर करता है, इसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है और डायनाबोल लेने से आपको किडनी डैमेज काफी ज्यादा होने लगता है। वहीं बात करें क्रिएटिन की, तो दोस्तों क्रिएटिन से हमारी किडनी को कोई भी डैमेज नहीं होता है क्योंकि क्रिएटिन हमारी बॉडी ऑलरेडी बनाती है लेकिन वो काफी कम अमाउंट में बनाने की वजह से हम उसे मसल ग्रोथ के लिए यूज नहीं कर पाते, इसलिए हम क्रिएटिन को अलग से अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं जो कि हमारी किडनी को बिल्कुल भी जो साइड इफेक्ट नहीं देता है अगर हम एक नॉर्मल डोजेस चलाते हैं। तो आखिरी और पांचवें पॉइंट की बात करें दोस्तों, जब डायनाबोल लेना आप जब शुरू करते हो उस टाइम तो आपको काफी अच्छे मसल्स देखने को मिलेंगे, काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जब डायनाबोल को आपको यूज करने के बाद कुछ समय बाद आप डायनाबोल को बंद करोगे तो आपको जो बॉडी में जो वाटर होल्ड होता है वो धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलने लगता है और आपकी बॉडी पहले की तरह फिर से कमजोर होने लगती है। भाई बात करें क्रिएटिन की दोस्तों, क्रिएटिन से आपका मसल्स मास जो है काफी ज्यादा फास्ट तो नहीं बढ़ेगा लेकिन जितना भी आपका मसल्स मास क्रिएटिन से बढ़ेगा वो एक लीन मसल्स होगा जो कभी भी आपका क्रिएटिन बंद करने से डाउन नहीं जाएगा। दोस्तों ये थे कुछ 5 अंतर जो क्रिएटिन और डायनाबोल के बारे में है, तो आपको इसे क्लियर हो जाएगा कि आपको स्टेरॉइड यानी कि डायनाबोल की तरफ जाना है या फिर आपको क्रिएटिन को एक नेचुरल तरीके से अपनी बॉडी बिल्ड करनी है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मत जाना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।